हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर भुर्जी। सबसे पहले हमें कढ़ाई लेनी है और इसमें हम घी डालेंगे थोड़ा। उसके बाद में थोड़ा सा जीरा डालेंगे इसमें। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे फाइन चॉप्ड करके प्याज और हरी मिर्च रख ली थी, वो उसमें मिक्स करेंगे। उसको थोड़ी देर तक पकने देंगे। अब उसके बाद में फाइनली चॉप्ड किया हुआ हम लोग इसमें टमाटर डालेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और काली मिर्च पाउडर। ये जो धनिया पाउडर और काली मिर्च पाउडर है, इसका मैं शॉट नहीं ले पाई थी गाइस, मैं कैमरा ऑन करना भूल गई, तो आप वो भी ऐड कर दीजिएगा। आफ्टर सम टाइम हम इसमें सॉल्ट डालेंगे एज़ पर योर टेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर तक, 1 मिनट तक हम इसको कवर करके रख देंगे लो फ्लेम में। इसको फिर आफ्टर 1 मिनट हम इसको ओपन करेंगे और इसमें क्रम्बल किया हुआ अपना पनीर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे लाइक दिस। फिर से लो फ्लेम पे हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। और आफ्टर 1-2 मिनट हम इसे ओपन करेंगे और कलछी चलाएंगे अच्छे से। थोड़ी देर तक हम इसे लो फ्लेम में, 1 मिनट तक हम लो फ्लेम में ऐसे ही ओपन पकाएंगे। और फिर उसके बाद मैं उसको अपनी गैस को बंद कर देंगे। और ये हमारा पनीर भुर्जी बनके रेडी है गाइस। प्लीज़ आप अपने घर में ये ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय।